तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाले कल क्या हो सकता है और हमने क्या बताया था और आज का राशिफल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट की। तो मैंने अप डाउन में अपसाइड बताया था और जो टाइम था 11:55 वो बताना आपको भूल गया था, जहाँ से कि मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल लिया था। मैंने फ्री वाले चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट के नाम से, उस पर फाइनेंस निफ्टी 65 में डाला था कॉल और वो कॉल 160 तक गई थी लगातार। ठीक है, तो डबल से ज़्यादा पैसा हुआ उसमें। और कल के लिए जब मार्केट बंद हुआ है, मैंने जब भी बताया है आपको, वहाँ ऑडियो डाला है मार्केट बंद होते टाइम, और अब आज बता रहा हूं कल के लिए क्या होगा। कल जो है मार्केट आपका दोपहर तक ना थोड़ा सा मिक्स टाइप का मार्केट है, और दोपहर के बाद एक 2:15 PM मतलब 14:15 PM ये टाइम ध्यान रखना, ये अप का टाइम है अगर यहाँ से अप जाता है। तो आज का जो टाइम था उसने बहुत अच्छा काम किया है, जो बाउंस आया था जहाँ पे आपको कॉल दी थी वही टाइम था। ठीक है, और निफ्टी आपका जो हमारा एस्ट्रो लेवल है 19,730 उसी से टकरा के लौट के आ गया, वो रेजिस्टेंस उससे पार नहीं हुआ क्योंकि डाटा नेगेटिव है उसमें। कॉल राइटिंग 700-800 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग कर रखी है 800 पे, और बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। दो एक बार तो जब नीचे गए तो पूरे डाटा नेगेटिव हो गए, फिर हमने जहाँ से कॉल खरीदी वहाँ से शिफ्ट होना शुरू हुए थे। तो कल के लिए जो वैसे भी डाटा दिख रहे हैं वो निफ्टी के पॉजिटिव नेगेटिव हैं, बैंक निफ्टी के पॉजिटिव हैं, फाइनेंस निफ्टी के फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। ठीक, तो कल हमारा जो 7:30 है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, 19,730। अगर ये टूटता है फिर बढ़िया होगा। अच्छा, जो मैंने वीकली वीडियो कल डाला था आपको उसमें बताया था कि हमारे ये दो लेवल हैं, जैसे निफ्टी में 19,600 ये क्या था वीकली चार्ट पे 10 SMA, और बैंक निफ्टी में 44,500 ये क्या था 20 SMA वीकली चार्ट। तो ये दोनों सपोर्ट थे, मैंने बताया था यहाँ से मार्केट बाउंस लेने चाहिए, जो कि 600 से लेके 130 आया है निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी 400 से लेके करीब करीब 125 तक गया है। तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट का लिया है, इसने 130 का लिया है। ठीक है, तो लेवल ने भी बहुत अच्छा काम किया। कल के लिए मैंने आपको बता दिया मार्केट के मॉर्निंग में मिक्स टाइप रहेगा, दोपहर से जो टाइम दिया वहाँ एक बार देख लेना जिधर जाता है मार्केट वहाँ से एक चेंजमेंट आएगा। ठीक, तो आप भूल जाते हो मेरी तरह ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, मतलब 30% आदमी वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चैनल देखते हैं, तो वो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमारा काम है ध्यान दिलवाना। तो अभी आपका राशिफल, हाँ डिस्क्लेमर और बता देता हूँ मैं आपको, इसका मतलब ये होता है हमारी कोई ये नहीं पर्सनल राह आपसे कि आप खरीदो या सेल करो। ठीक है, ये केवल एक एस्ट्रोलॉजी ये बताती है, अगर कहीं आप उल्टी डायरेक्शन में बैठे हो तो सीधी डायरेक्शन में रहो बस। ठीक है, फिर मैंने आपको फ्री वाले पे एक वो भी दी थी बैंक निफ्टी की कॉल थी, वो BTST में हमने 170 रुपये पर खरीदी। ठीक है, अब वो 170 से पहुंच गई 270, 100 रुपये तो मिल गए, 50% से ज़्यादा मिल गया, 60% तो जब भी 20-25 मिनट में हम बोले अभी BTST करो ही मत इसको, जब इतनी देर में इतना पैसा दे दिया तो फिर क्या जरूरत है BTST की, 60-70% वैसे भी मिलता है वो मिल गया। उससे पहले भी कॉल दी वो भी 50%, मतलब 200% से ऊपर प्रॉफिट हो गया आज। ठीक, अब आप कितना ही कोशिश करो, एक वीक में कौन टारगेट लेके चलता है कि मेरे को 200% मिलेगा,
इस बात को जो इंसान समझ लेगा वो मार्केट में अच्छे से पैसा कमा लेगा। अब जैसे आज दे दिया पैसा तो कल ज्यादा कूदना नहीं कि आज की प्रॉफिट और जो आपका पैसा दोनों को लेके कूद के पूरा एक साथ लगा दिया, नहीं। अभी ये मान के चलो कि जब एक दिन प्रॉफिट देता है तो दो दिन उसको वापस लेता है। तो कल जो आपने ट्रेडिंग करनी है, पहली बात तो जिसको प्रॉफिट हुआ है उसको आज ही ट्रांसफर कर दो पैसे को, कहाँ, अकाउंट में। जितने से करते हो उतना रखो और उतने से 20% से ट्रेडिंग करना। भाई देखो, मिलेगा तो बहुत बढ़िया है, मिल गया तो थोड़ा कम ले लेंगे, लेकिन कम से करना, ज्यादा ज्यादा 50% से ज्यादा अपना जो भी जितने पे करता है नहीं लगाना पैसा। मार्केट का यही है। अब आपको मान लो किसी को डबल हो गया पैसा, 200-250 नहीं मानते, वैसे तो वो प्रॉपर दिया है, जो टारगेट थे वहीं तक गया है, बुक भी करवाया, पर जिसको नहीं हुआ होगा फिर भी उन्हें क्या करना है। अभी उन्होंने मान लो 100% कमाए, 25% जो पैसा है, 12.5%, 12.5% वो पैसा रखना है दो दिन के लिए कि अगर मेरे को लॉस होता है कल 12.5 दे दूंगा और 12.5 के बाद बड़ा बंद कर दूंगा, नेक्स्ट दिन 12.5 दे दूंगा अगर इससे बड़ा तो बंद कर दूंगा। बस इस सिद्धांत पर काम करोगे फिर बृहस्पतिवार को आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो बृहस्पतिवार को बन जाएगा पैसा। तो अभी राशिफल, आज चार राशि कमजोर है, एक तो कर्क राशि कमजोर है, इसके बाद में तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ठीक। तो मेष राशि के 4.5 है, वृषभ के 4, मिथुन के 2.5, कर्क के 1.5 और सिंह राशि के 3 पॉइंट, कन्या राशि के 5, तुला के 1.5, वृश्चिक के 1.5 और धनु राशि के 4, मकर राशि के 3, कुंभ राशि के 4 और मीन राशि के 2 पॉइंट। तो ये आपका हो गया आज का राशि का, ठीक है। तो मैंने वीडियो छोटा ही बनाया है, तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।